विंसी प्रीमियर लीग मैच नंबर 6 डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स और सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स के बीच जो खेला जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रात के 11 बजे सोमवार 17 मई को। कौन से प्लेयर्स हैं जो आपको पॉइंट्स दे सकते हैं जानने के लिए ये वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा एंड प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही नए वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। नीचे जो है वीडियो का ऐप डाउनलोड का भी डिस्क्रिप्शन है जहां से आपको काफी नए स्किल्स और फैंटेसी पॉइंट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ओके हेलो एंड वार्म वेलकम। अच्छा है कि आप हमारे साथ बने हैं या जुड़ रहे हैं। जो भी हो मैच नंबर 6 है विंसी प्रीमियर लीग का डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स और सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स के बीच। दोनों ही टीम्स का ये दूसरा मैच है और दोनों ही टीमें इस मैच में एक जीत के कगार पर आए हैं, यानी मोमेंटम दोनों के साथ है। इसका मतलब जब मोमेंटम रहता है ना आपको ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स बनने की चांसेस जरूर बन जाती है। क्या कहते हो बाबाशीष, ये जो टीमें हैं इनमें से एक टीम ने एक ऐसी टीम को हराया था बोटानिकल गार्डन्स रेंजर्स को 26 पर ऑल आउट किया था। तो जब ऐसा मैच होता है तो आप क्या लगता है कि आपको बोलिंग फ्रेंडली टीम ज्यादा लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए क्योंकि एवरेज स्कोर जो हम देख रहे हैं वो ज्यादा नहीं हो रहा है। फर्स्ट बैटिंग की बात करें या तो सेकंड बैटिंग की बात करें तो पिचेस मेरे ख्याल से दे जस्ट सेटलिंग डाउन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर थोड़ा टूर्नामेंट ये निकल जाता है तो पता चल जाएगा कि कितने स्क्रिप्ट्स हैं इनके पास और कौन से पिचेस अच्छे खेल रहे हैं तो शायद थोड़ा हाई स्कोरिंग बन सकता है। बट अभी के लिए जैसा आप बोल रहे हैं कि एक बोलिंग स्पेसिफिक मोर ऑलराउंडर्स इज द राइट वे टू गो। अगर हम टॉप प्लेयर्स जो टॉप फैंटेसी गेटर्स फ्रॉम द लास्ट मैच ये दो टीम के बारे में बात की जाए तो देखिए सुनील एम्ब्रस ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि ये इस टूर्नामेंट में आके ओपनिंग बोलिंग कर रहे हैं डायरेक्टली। मतलब है तो रोल एज अ मेन मैं तो इनको एज एन ओपनिंग बैट्समैन ही जानता था जब ये वेस्ट इंडीज के लिए खेला करते हैं। मतलब मुझे तो मालूम ही नहीं था ये बोलिंग भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब बस बिंदास आके ऑफ स्पिन डाल रहे हैं, मतलब एज इफ इट इज जस्ट वेरी इजी। जैसे उन्होंने 105 पॉइंट्स दिए लास्ट मैच में। इनके अलावा अगर जर्मी लेन की बात की जाए उन्होंने भी 100 से ज्यादा पॉइंट्स दिए थे। तो ये दो प्लेयर तो डेफिनेटली है। शार्लन विलियम्स ने 76 पॉइंट्स अराउंड दिए थे। तो ये हैं हमारे मोर देन यू नो जो इक्विप्ड प्लेयर्स हैं जिन्होंने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। बट अगर कार्तिक इस पर्टिकुलर फिक्स्चर के बारे में बात की जाए और हमारे एफजी बेस्ट 11 की बात की जाए, क्योंकि वी ऑलवेज से कि एफजी बेस्ट 11 जो है वो बैलेंस्ड और रिस्क का एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे दो विकेट कीपर्स हैं। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जी पहले तो मैं सरप्राइज हूँ कि दो विकेट कीपर हैं, लेकिन एफजी बेस्ट 11 के लॉजिक के साथ मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहूंगा। लिंडन जेम्स के साथ चलिए देखते हैं क्या दिखाता है उनकी एनालिसिस। फैंटेसी गली रेटिंग है 9.2 जो बहुत अच्छी है। क्रेडिट्स है सिर्फ 8.5, यानी किसी भी टीम में घुल मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स की बात करें ना तो उन्होंने पिछले मैच में काफी हाई स्कोर किया था। अब अमूमन जो है आप एक ही कीपर के साथ जाते हैं एक टीम बनाते वक्त फैंटेसी में, लेकिन यहाँ पर फैंटेसी गली का लॉजिक आपको दो विकेट कीपर चूज करने का सजेशन देता है। बताता हूँ क्यों। सियोन स्वीन जो है ना सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स के कीपर है और पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी अपनी टीम को एक अच्छी स्कोर तक पहुंचाने में। उनकी टीम जो है 22-3 थे छठे ओवर में, ये आए और फिर इन्होंने 14 बॉल में मात्र 23 रन बनाए, जिसके कारण जो है ये आपको फैंटेसी गली बेस्ट 11 में दिख रहे हैं। अभी आप उनपे क्लिक करेंगे ना फैंटेसी गली रेटिंग 6.1 है। अब अमूमन आपको ये फैंटेसी गली लॉजिक के हिसाब से नहीं आने चाहिए टीम में, क्योंकि जो रेटिंग है 7 के नीचे प्लेयर्स को लेता नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में 34 पॉइंट्स दिए थे 30 बैटिंग से, इसका ये अर्थ निकलता है कि ये फॉर्म में है और आप इनको बिंदास जेम्स के साथ टीम में ले सकते हैं, जिसके कारण आपकी कॉम्बिनेशन बन जाएगी दो कीपर, दो ऑलराउंडर, तीन बैट्समैन और चार बॉलर्स। बिल्कुल। और ये जो आपने तीन बैट्समैन के बारे में बात की, इनमें जो सबसे पहला नाम
हमारे फैंटेसी गली के बेस्ट 11 में है वो है एलेक्स सैमुअल का। अब देखिए एलेक्स सैमुअल अगेन फैंटेसी गली रेटिंग ऑफ 6.4 ही है, बट जो इनके बारे में बात है वो इनका एक हाई एक्स फैक्टर है जो इनको एक अच्छा पिक बनाता है। और अगर आप देखें इन सारे मैचेस में तो हाई एक्स फैक्टर वाले प्लेयर्स चल जाते हैं क्योंकि बहुत ही फास्ट पेस गेम है, तो अगर इनमें से एक प्लेयर कुछ 15-20 बॉल खेल जाएगा तो फिर वो डेफिनेटली आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स दे सकता है। अगर एक और प्लेयर की बात करें जो कि एक्स फैक्टर बहुत ही कम है इनका, वो है कोडी हॉर्न का। फैंटेसी गली रेटिंग अगेन 5.7 है। आई एम प्रिटी श्योर जब आप ये टूर्नामेंट टुवर्ड्स दी एंड जाएगा, फाइनल सेमीफाइनल जब तक आप देखेंगे, तो ये सारे कुछ प्लेयर्स के फैंटेसी गली रेटिंग बढ़े होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट अभी थोड़े कम है। इनके एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स कुछ 13 के अलावा है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि इनके पास मौके ज्यादा मिलेंगे, इनको आप डेफिनेटली टीम में रख सकते हैं। जी। और एक और प्लेयर, एक और बैट्समैन जिनको आपको रखना ही चाहिए, उनका नाम है रोमैनो पियरी। अब रोमैनो पियरी का भी फैंटेसी के लिए रेटिंग बहुत कम है, 5.9। क्रेडिट्स काफी हाई है रेटिंग के हिसाब से, 9। और उसका रीजन ये है, पिछले मैच में अच्छे फॉर्म में उतर कर आ रहे हैं 24 गेंदों में। जैसे कि अभी बाबा ने बोला कि मान लो कि कोई प्लेयर 15 या 20 बॉल खेल लेता है तो आपको उतना ही मैक्सिमाइज पोटेंशियल पॉइंट्स दे सकता है। इन्होंने 46 रन बनाए 24 गेंदों में, 2 चौके और 4 छक्के, यानी बोनस पॉइंट के साथ मिलाकर इन्होंने आपको 74 पॉइंट्स दिए, जिसमें से 70 बैट के साथ थे। इसीलिए रोमानो पियरी को भी आप टीम में लें। अब बढ़ते हैं ऑलराउंडर भाई, सबसे पहला नाम तो सुनील एम्ब्रेस। में अभी भी सोच रहा हूँ क्या ये एक्चुअली ऑलराउंडर हैं भाई, अब क्या करें। उन्होंने, वो ओपनिंग बैट्समैन थे, उन्होंने बैट के साथ तो कुछ किया नहीं। देखिए -4 है उनका बैटिंग पॉइंट्स क्योंकि वो डक पे आउट हुए थे, और वहीं अगर माफ कीजिएगा 2 रन पे आउट हुए थे, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने क्या कमाल दिखाया, 2 ओवर 4 रन और 3 विकेट। भाई ऐसे ऑलराउंडर बने और मिल गए तो आपको तो चांदी ही चांदी। लास्ट मैच में 105 पॉइंट्स दिए थे और ड्रीम टीम के वाइस कैप्टन रहे थे। आप भी सरप्राइज अभी भी हो बाबा? बिल्कुल, आई एम जस्ट सरप्राइज कि कितना कैजुअली वो ऑफ स्पिन डालते हैं और उनको विकेट मिल जाता है। ऐसा भी नहीं कि मतलब बॉलिंग, से उन्होंने इंस्पिरेशन ली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आई कैन इमेजिन कि अगर ये जेंटल ऑफ ब्रेक इतना काम करता है तो। इनफैक्ट नॉट जस्ट सुनील एम्ब्रेस, मैंने इस टूर्नामेंट में देखा है कि जस्ट लाइक ये जो कैजुअल स्पिन बॉलर्स हैं उनको थोड़ा मदद अभी मिल रहा है, बट लेट्स जस्ट होप कि दूसरे जो अच्छे बॉलर्स हैं उनको भी पॉइंट्स मिलती रहे, जैसे कि हमारे इस एफजी बेस्ट 11 में 4 बॉलर्स फीचर कर रहे हैं, जो पहले जिनके बारे में मैं बात करूंगा जो इस टीम के वाइस कैप्टन भी हैं, उनका नाम है देखिए जेवन सैमुअल। अब जेवन सैमुअल के बारे में एक अच्छी स्टोरी ये है कि इनकी एक पर्सनल एक प्रॉब्लम, एक ट्रेजिडी हो गई थी जिसकी वजह से ये थोड़े क्रिकेट से दूर रहे थोड़े दिन के लिए, बट इट इज सो वेरी गुड टू सी कि अब उन्होंने कमबैक किया है सर्किट में एज अ कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर वंस अगेन। एक थिंकिंग क्रिकेटर है, अच्छे बॉलर हैं, ही यूजेस द फ्लाइट वेरी वेल। लास्ट मैच में इन्होंने 66 पॉइंट्स दिए हैं। थोड़े लो एक्सपेक्टर वाले प्लेयर हैं क्योंकि इनसे आप पॉइंट्स की उम्मीद कर सकते हैं। 8.5 की क्रेडिट वाले प्लेयर हैं तो आपके टीम में भी अच्छा बैठ सकते हैं, तो इनको तो आप टीम में जरूर लें। जी, और दूसरे बॉलर का नाम मैं लेना चाहूंगा, वो है सीलरन विलियम्स। डबल ए है इसलिए विलियम्स, डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स के प्लेयर हैं। अब क्या हुआ है, डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स ने ना अपनी सामने वाली टीम को 26 पे ऑल आउट किया था, तो ये लॉजिक वैसे ही बनता है कि क्योंकि उनके सब बॉलर्स ने विकेट्स लिए थे, इसलिए आपके बॉलर्स जो है, आपकी कॉम्बिनेशन भी है, आपको 4 बॉलर्स लेने का सजेस्ट कर रही है और सबके बॉलिंग पॉइंट्स आपको हाई ही दिखेंगे। तो विलियम्स के भी बॉलिंग पॉइंट्स देखिए, 76 पॉइंट्स दिए थे उन्होंने लास्ट मैच में, जिसमें से 64 बॉलिंग से आए थे, बट ऑन एन एवरेज ये आपको 37 पॉइंट देते हैं, 8.5 की क्रेडिट्स है और 7.9 की फैंटेसी गली रेटिंग है। तो ज्यादा सोचिए मत, जो फैंटेसी गली बेस्ट 11 लॉजिक आपको बता रहा है, प्लीज आप उसी के साथ जा सकते हैं और इनको टीम में ले सकते हैं। बिल्कुल, और ये जो फैंटेसी गली की लॉजिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, फैंटेसी गली का वेबसाइट और ऐप के बारे में हम बात करते रहते हैं, ये आपको अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस देता रहेगा थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट
एंड फॉर ऑल द फैंटेसी क्रिकेट दैट यू सी ऑन डिस्प्ले अराउंड द वर्ल्ड. तो यार कुछ चीजें तो आपको करनी पड़ेगी, दैट इज वेरी बेसिक, और वो है कि आप फैंटेसी गली के वेबसाइट पर जाएं, फैंटेसी गली का जो ऐप है वो डाउनलोड करें, ताकि आपको ये सारा एनालिसिस आपके फिंगर टिप्स पे मिलता रहेगा. दूसरी बात ये कि जिस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं यूट्यूब में, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें एक बार, क्योंकि जैसे हम एनालिसिस देते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा. चलिए कार्तिक, अगर इस पर्टिकुलर मैच के बारे में बात करें तो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शंस कौन कौन होंगे इस पर्टिकुलर फिक्स्चर्स के लिए? वाइस कैप्टन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेवन सैमुअल को मैं लूंगा, लेकिन कैप्टनसी का अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि मैं सुनील अम्बरीश को ही दूंगा क्या, क्योंकि हाँ मानता हूं कि पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की थी ऑलराउंड स्किल के हिसाब से, लेकिन मेरे ज्यादा डिपेंडेबल ऑलराउंडर रहेंगे शैमन हूपर. अब पिछले मैच में क्योंकि ये डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स के हैं, उन्होंने सिर्फ 6 ओवर डाले थे उनकी टीम ने, तो इसलिए इनको बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन ये एक प्रॉपर ऑलराउंडर है जो आपको बैट और बॉल दोनों के साथ पॉइंट्स दे सकते हैं, इसलिए अम्बरीश की जगह पर ये मेरे कैप्टन होने चाहिए. बिल्कुल, मैं बस सुनील अम्बरीश को एक और मौका देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि सीनियर प्लेयर है और पहले मैच में बैट के साथ रन नहीं बने हैं, तो उनको ये लगता होगा कि चलो मतलब मैं बैटिंग से भी थोड़े रन्स कर लूं, जो कि मेरा प्राइमरी रोल है, तो शायद अगर वो करते हैं तो आपको बैटिंग के भी पॉइंट्स देंगे और वो फिर आपके लिए अच्छा हो जाएगा अगर आप सुनील अम्बरीश को अपनी टीम में रखें. ये थे हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक्स. कार्तिक, बिफोर वी रैप अप दिस एपिसोड, एनी अदर यू नो थॉट सेटिंग दैट यू हैव, टिप्स जो इस गेम के लिए काम में आएगा? जी, टिप्स तो मेरे एंड से नहीं है, टिप्स तो फैंटेसी गली ऐप के एंड से ही है, क्योंकि अगर आप वहां पर माउस ओवर करेंगे, अभी तो हमने एफजी बेस्ट 11 रखा है, वहां पे 5 ऑप्शंस है, और अगर आप ग्रैंड लीग बैटिंग फोकस की बात करें ना, वहां पर आपको ये लॉजिक सजेस्ट करता है कि तीन तीन कीपर के साथ जाए, हम तो एक कीपर की बात कर रहे थे, ये तो तीन तीन कीपर बोल रहे हैं, तो ऐसे ही आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं अभी टॉस के पहले. लेकिन अगर आप टॉस के बाद आएंगे ना, तो टॉस के बाद आपको 10 अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, तो प्लीज ये सारे स्किल सजेशंस का लुत्फ उठाइए और अपनी टीम बनाइए, एंड ऑफ कोर्स होप दैट यू कैन विन. बिल्कुल राइट कार्तिक, सो दैट्स अबाउट इट. वी विल कीप ब्रिंगिंग दीज एनालिसिस टू आवर व्यूअर्स फॉर दिस पर्टिकुलर T10 लीग एंड फॉर ऑल द क्रिकेट अहेड. तब तक के लिए सबके लिए एक जेंटल रिमाइंडर कि आप जैसे कि मैं, कार्तिक, हम लोग सब ये शो भी हम लोग अभी रिमोटली कर रहे हैं, तो आप अपना ख्याल रखें, सारे जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उनको ध्यान में रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अभी वैक्सीन अवेलेबल हो रही है, तो आप जितना जल्दी हो सके आप खुद को वैक्सीनेट भी कर लें. राइदन, फैंटेसी क्रिकेट में आपकी हेल्थ का ख्याल रखेगा फैंटेसी गली. अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, दिस इज गुड बाय फ्रॉम मी एंड कार्तिक. बाय बाय.